अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर स्टूडेंट हो और खास करके लास्ट ईयर में हो तो आपको हमेशा लगता होगा ये प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, चाहे वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो या फिर कैंपस प्लेसमेंट हो, दोनों के लिए प्रिपरेशन सेम ही चाहिए। और अगर आपके कॉलेज में कंपनीज आती है तो आपका चांसेस और ज्यादा बढ़ जाता है प्लेसमेंट होने का, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिशन कम होता है। यही अगर बाहर में मतलब ओपन कैंपस होता है तो उसमें कोई भी कॉलेज के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के भी, मैक्सिमम में तो फाइनल ईयर वाले ही कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कंपनीज में पास आउट जो स्टूडेंट हैं वो भी अलाउ रहते हैं, तो थोड़ा कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। लेकिन जो कैंपस में आते हैं उसमें आपके लिए थोड़ा इजी पड़ जाता है। और अगर आपको ये सारे स्टेप्स पहले से पता होंगे कि कैसे प्रिपेयर करके रखना है, जो कि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा प्लेसमेंट लेना। तो थर्ड ईयर में जाते होंगे आपने डिप्लोमा कोर्स का, वैसे बहुत सारे कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि AM&S, L&T, टाटा पावर, टाटा मोटर्स और GSW और GSPL, ये सब कंपनीज है, ये सब कॉलेज में आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको इन सब कंपनीज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, ताकि बाद में जाके आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर ना आए या फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना रहो कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, आपको सबसे पहले अपना रिज्यूमे बनाना है। थर्ड ईयर में चले गए हो, अभी तक इंटर्नशिप किए होगे या फिर जितना भी इवेंट में पार्टिसिपेट किए होंगे बहुत सारा, तो सबसे पहले आपको अपने रिज्यूमे बनाना है, क्योंकि जब कंपनी आएगी उस टाइम आपको रिज्यूमे बनाने बैठना नहीं है, पहले से बना के रखोगे तभी आपका सब कुछ उसमें आपको याद से इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि फिर आपको मतलब पहले से बना के रखोगे तो फिर बाद में कुछ अगर याद भी आता है उसमें इंक्लूड करना तो बाद में कर सकते हो। और अगर आप उस टाइम सोचोगे कि जब कंपनी आएगी उस टाइम जाके बनाएंगे, तो हो सकता है कि आपका कोई कुछ छूट जाए रिज्यूमे में जल्दी जल्दी में, इसलिए पहले से बना के रखो। तो रेज्यूमे बनाने के लिए आप ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स भी आता है, जैसे ऐसे सर्च करोगे रेज्यूमे बिल्डर ऐसे करके, या फिर एक नोवा रेज्यूमे करके, या फिर आप कैनवा में भी बना सकते हो। रेज्यूमे थोड़ा आपका प्रोफेशनल होना चाहिए और उसमें एकदम क्लियर, और जो आप इन्फॉर्मेशन डालोगे वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसे आप अपना, अब बहुत लोग ऐसा करते हैं कि टेंथ का सारा सब्जेक्ट का मार्क्स लिख देते हैं, वो नहीं करना आपको। आपको सिर्फ एक ही लाइन में लिख सकते हो कि टेंथ आपका कब खत्म हुआ, कितना परसेंटेज के साथ। मतलब आपको ऐसे रेज्यूमे को कचरा नहीं करना भरने के लिए। अगर आपका एक पेज का रेज्यूमे है तो वही आपके लिए बेस्ट रहेगा, उसको दो पेज नहीं करना है। दो पेज का रिज्यूमे तो किसी को करना ही नहीं है एक पेज में, अभी आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, दो पेज का करके क्या करोगे। इसलिए मतलब अपना क्लियर रखना रिज्यूमे, मतलब देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और डिप्लोमा का भी ऐसा सारा सेमेस्टर का परसेंटेज नहीं डाल देना है, एक एग्रीगेट निकाल के वो डालना, तो इससे थोड़ा। और उसके बाद फिर आपका जो जो स्किल्स है वो डालना है, और आप कहीं ट्रेनिंग किए होंगे, कहीं इंटर्नशिप किए होंगे, कहीं इवेंट में पार्टिसिपेट किए होंगे, स्कूल में भी अगर कोई आपका स्पोर्ट्स में कुछ मतलब अचीवमेंट है, या फिर कोई गेम्स ये सब में, कोई क्विज कॉम्पिटिशन में, वो सब भी आप इंक्लूड कर सकते हो। जो जो उसके बाद अपना इंटरेस्ट और हॉबीज थोड़ा प्रोफेशनल हो वो सब इंक्लूड कर सकते हो। तो आप मतलब कोई और वीडियो भी देख सकते हो जिसमें कोई बताया होगा और अच्छे से कि रिज्यूमे में क्या क्या डालना है क्या नहीं। और लेकिन क्योंकि ये वीडियो तो प्लेसमेंट प्रिपरेशन से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में आपको प्रिपेयर करना है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, क्योंकि जो प्लेसमेंट कोई भी कंपनी आएगी उसमें जो वो टेस्ट लेती है असेसमेंट, उसमें एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहता है और दूसरा रहता है डोमेन से। डोमेन मतलब आपका जो ब्रांच है उससे रिलेटेड। अब एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन आता है उसमें तीन चार कैटेगरीज आता है। आप कोई कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपके लिए तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट निकालना, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो कर सकते हो, मतलब अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतना जल्दी आपसे क्वेश्चन बनेगा, और वहाँ पे आपका टाइम भी बन जाएगा जो आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा उसके लिए। तो अगर आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है तो आप दो वेबसाइट्स बता देता हूँ जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें एक है indiabigs.com करके या फिर .in करके होगा, जो भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ टेक्स्ट आ रहा होगा। तो एक indiabigs करके वेबसाइट है, गीक्स फॉर गीक्स करके वेबसाइट है। वैसे गीक्स फॉर मतलब इंडिया बिग्स जो है ये कम्प्लीटली ऐसे प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए ही है, या फिर जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आपको डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएगा, अगर आप कोर ब्रांचेस हो तो, अगर मतलब आपका कोई रेयर ब्रांच नहीं है। और आपको एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएगा जिसमें आप वहां जाकर प्रिपेयर कर सकते हो। और जो गीक्स फॉर गीक्स है ये ज्यादातर मतलब CS बैकग्राउंड से IT उनके लिए वेबसाइट है, लेकिन इसमें आपको एप्टीट्यूड का जो है वो आप क्वेश्चन कोई भी ब्रांच वाले प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो आपका CS ब्रांच वाले उनको ये वेबसाइट के बारे में तो पहले से ही पता होगा। जो CS बैकग्राउंड से नहीं है उन लोग के लिए बता दे रहा हूँ कि इसमें जाके कोई भी प्रिपेयर कर सकता है जो कि एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है वो सब, मतलब इसमें जाके कोई भी एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन प्रिपेयर, मतलब कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे ब्रांच वाले हैं वो फालतू दूसरा क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस करेंगे, वो उनको सिर्फ एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ये आपको सब कुछ यहाँ पे मतलब गिग्स फॉर गिग्स में तो 11, 12 सारे NCERT नोट्स ये सब सारा अवेलेबल है, तो आप साइन अप करो, दोनों ही फ्री वेबसाइट है, ऐसा कोई चार्ज नहीं लगने वाला। इससे पहले जो रेज्यूमे बनाने मतलब रेज्यूमे के लिए बताया था वो भी फ्री था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप जो कि है अपना टेक्निकल स्किल इंप्रूव करना। मतलब टेक्निकल स्किल तो आप ऐसे करते हुए आ ही रहे हो, मतलब सेकंड ईयर तो आपका
टेक्निकल से रिलेटेड ही था। अब जो थर्ड ईयर है उसमें भी आपका टेक्निकल ही है, तो थर्ड ईयर में तो जैसे जैसे जो पढ़ते जा रहे हो वही आपको पढ़ना है, लेकिन सेकंड ईयर में जो पढ़े वो भी थोड़ा आपको रिवाइज कर लेना है, ताकि जब आपका टेस्ट ईयर सब हो उस टाइम आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालना पड़े वापस से सारा रिवाइज करने के लिए। अगर आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पहले से रिवाइज करते हुए जाओगे तो आपके लिए ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा जब आपका टेस्ट होगा, क्योंकि जब भी टेस्ट होता है ये मतलब आप जब आप अप्लाई करोगे उस टाइम आपको मतलब पता नहीं चलेगा टेस्ट कब होने वाला, अचानक से आएगा ईमेल कि 2-3 दिन के अंदर ही आपका टेस्ट होने वाला है, तो 2-3 दिन में तो कोई प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसलिए आपको पहले से प्रिपेयर करते हुए जाना है। और टेक्निकल स्किल अगर आपको इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आप बहुत सारा कोर्सेज कर सकते हो, जो कि फ्री भी अवेलेबल रहता है पेड भी रहता है, और मतलब ऐसे तो रिवाइज करते रहना, बाकी अगर आप मतलब ऐसे यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स भी मिल जाएगा तो आपको जैसे प्रिपेयर करना आप कर सकते हो। सेकंड ईयर तो पढ़ी लियो तो आपको पता चलेगी आपको क्या अच्छा है क्या नहीं, कहाँ से करना कहाँ नहीं, बाकी अपना टेक्निकल रिलेटेड जो भी आप कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब पे उनसे मतलब वो तो जरूर डाले होंगे वीडियो की कैसे आपको ये चीज पढ़ना है कहाँ से क्या पढ़ना है, तो आप वहां से देख के समझ लेना। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं जो कि आपका ना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव। इंटरव्यू जो लोग इंग्लिश में देंगे मतलब आप जो लोग इंग्लिश में देना चाहते हैं वो लोग अपने इंग्लिश वाले कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना, बाकी जो लोग हिंदी में देना चाहते हैं वो भी थोड़ा बहुत कर लेना, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज में अगर आपका इंटरव्यूअर अगर आप मतलब साउथ से है मतलब उनको हिंदी नहीं आता तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, आपको अपना बात समझाने में भी और उनका बात समझने में भी इंटरव्यू के टाइम वो क्या पूछ रहे हैं वो भी आपको समझ नहीं आएगा, मतलब ऐसे टेक्निकल तो समझ आ ही जाएगा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो आपको मतलब आप ऐसे आपको गेस करना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है, अगर आप समझ में आ जाता है अच्छे से तो फिर आप अच्छे से उसका आंसर भी कर सकते, बाकी अगर आप खुद अगर इंग्लिश में भी आंसर करोगे तो उसके लिए आपको और थोड़ा इंप्रूव करना होगा ताकि आप अच्छे से आंसर कर सको, ताकि जो आप बात बोलना चाहते हो वो उनको अच्छे से समझ में आए मतलब आपका आंसर क्लियर हो, तो उसके लिए आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना होगा, और उसके लिए भी बहुत सारा यूट्यूब चैनल है जाके देखो कौन मतलब कहाँ से आपको इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे इम्प्रूव करना है और इंटरव्यू में कैसे मतलब अपने आपको प्रेजेंट करना है। बाकी ऑनलाइन इंटरव्यू में तो थोड़ा इजी पड़ जाता है क्योंकि आपके सामने कोई होगा नहीं, जो भी रहेगा मतलब ऑनलाइन कहीं से कनेक्ट रहेगा, और बहुत सारे ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं उसमें जो इंटरव्यूअर रहता है वो अपना कैमरा ऑन नहीं करता, तो आपके लिए थोड़ा और हेजिटेशन कम हो जाएगा कि सामने कोई देखने वाला नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि उनका रिएक्शन क्या है, उस टाइम आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन ऑफलाइन इंटरव्यू अगर हो रहा है तो आपके सामने ही वो अगर आप कुछ भी ऐसा करते तो आप उनका फेस मतलब उनका एक्सप्रेशन देख के फिर आपको थोड़ा पता चल जाता है कि कुछ गलत बोल दिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका कम हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन इंटरव्यू में थोड़ा इजी पड़ जाता है। तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन लेकिन आपको अपने आपको प्रेजेंट करने आना चाहिए, जो भी आप आंसर बोलो वो क्लियर हो और सामने वाले को समझ आए कि आप बोलना क्या चाहते हो। तो आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं, आपको कंपनी के लिए रिसर्च करना है, मतलब कंपनी के रिलेटेड रिसर्च करना है थोड़ा बहुत, कि जिस कंपनी का भी इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए थोड़ा बहुत आप समझ लो कि उस कंपनी में क्या काम होता है या फिर वो कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या क्या है वो, या फिर अगर सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो कौन कौन सा सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और आप किस रोल के लिए जा रहे हो उससे रिलेटेड जो भी आपका मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो मतलब थोड़ा बहुत आप समझ लो, उससे आपको पता चलेगा कि वो किस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वहाँ। तो मतलब आप मतलब जिस कंपनी में जा रहे हो जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट वो बनाती है वहाँ आपका रोल क्या होने वाला है, आपका आप जैसे कि कोई सिविल्स है तो वहाँ सिविल का क्या रोल होने वाला है, अगर कोई इलेक्ट्रिकल्स है तो वहाँ इलेक्ट्रिकल से जो डिप्लोमा करके जा रहे हैं उनका क्या रोल होने वाला है, तो ये आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा जब आप कंपनी का ये बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे। कहाँ से करना ये तो आपका कंपनी का वेबसाइट में मिल जाएगा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उनका कॉर्पोरेट फिल्म जो रहता है मतलब बहुत सारा कंपनीज अपना कॉर्पोरेट फिल्म बना के यूट्यूब पे डालती है अपने चैनल पे, वहां से भी बहुत कुछ पता चल जाएगा, और बाकी उनका सोशल मीडिया तो है, बाकी और कोई मेरे जैसा अगर वीडियो बनाता होगा तो वहाँ जाकर आप देख लेना, और कंपनी का जैसे वेबसाइट में ब्लॉग्स बहुत सारा वो डालती है, सोशल मीडिया पेजेस में अपना बहुत सारा कंटेंट डालती है, वहां से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कंपनी के बारे में। तो लास्टली अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट स्टेप में जो कि है इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, मतलब कि जैसे आप टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद आपका फाइनली इंटरव्यू बच जाता है, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा पहले से प्रिपेयर करना है, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू का जब ईमेल आ जाए उस टाइम आपको ये स्टार्ट करना है, ये इंटरव्यू के लिए जो प्रिपरेशन है ये भी आपको थोड़ा पहले से करना पड़ेगा। तो इंटरव्यू बेसिकली सारे कंपनी में दो राउंड होता है, मतलब दो राउंड साथ ही साथ हो जाता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग होता है, अलग अलग भी हो सकता है लेकिन दो राउंड होता है इतना बस याद रखो, एक होता है टेक्निकल राउंड एक होता है एचआर राउंड, ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है किसी किसी में लेकिन ज्यादातर कंपनीज में नहीं होता है, मतलब ज्यादातर कंपनीज में डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए नहीं होता है, और मतलब इंटरव्यू अगर ऑफलाइन देने जा रहे हो तो उसमें हो सकता है कि एक ही साथ सब ग्रुप में सबका इंटरव्यू ले ले रहे हैं, तो मतलब ज्यादातर कंपनी में एक एचआर राउंड होगा एक टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड में आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, अपना नाम आपका कहाँ से हो कहाँ नहीं आपका, उसमें बेसिकली आपका कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं, आपका बिहेवियर देखते हैं कैसा बिहेवियर है, कैसे आप आंसर करते हो, कैसे आपका मतलब कैसा आपका कम्युनिकेशन स्किल है, कैसे आप आंसर करते हो किसी क्वेश्चन का, तो उसमें आपको मतलब ऐसे मतलब एचआर राउंड में आपको ये सब देखा जाता है आपका पर्सनैलिटी कैसा है, और उसके बाद आ जाता है टेक्निकल राउंड, टेक्निकल राउंड में आपका ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा,
जो भी आपका ब्रांच है उससे रिलेटेड, बाकी आपका जो भी लास्ट ईयर प्रोजेक्ट रहा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर आपका जो भी आप ट्रेनिंग की होगी लास्ट, मतलब लास्ट ईयर में जब जाते हैं, थर्ड ईयर में जब जाते हैं, उस टाइम जो इम्प्लांट ट्रेनिंग होता है जिससे रिलेटेड मैं एक बार वीडियो डाल चुका हूँ, वो जाकर देख लेना कि उसमें आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि क्या इंटरव्यू में पूछ सकता है क्या नहीं। और ट्रेनिंग के टाइम आप मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हो, कैसे मैक्सिमम लर्निंग ले सकते हो अपने ट्रेनिंग के टाइम में, तो ये आपको वहां से पता चल जाएगा। और इसके लिए इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, और जो आपका लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट रहेगा उससे रिलेटेड। बाकी अपने रिज्यूमे में जो मेंशन किए होंगे अपना स्ट्रेंथ वीकनेस, आपका जो भी गोल है, ये सब के बारे में आपको क्लियर रहना है। रिज्यूमे में जो भी आप लिखे होंगे सबके बारे में आपको क्लियर रहना है। और कुछ इंटर्नशिप किए होंगे या फिर कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किए होंगे उसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, अगर उससे रिलेटेड मतलब आप कहीं मेंशन किए हो तो वो भी आप उसके लिए भी थोड़ा प्रिपेयर कर लेना कि आपका वहाँ पे क्या रोल था और आप क्या किए थे उस इवेंट में, वो इवेंट किससे रिलेटेड था, ये सब थोड़ा बहुत अपना प्रिपेयर कर लेना। और इंटरव्यू का कॉमन क्वेश्चंस जो होता है, जो भी आप कंपनी में इंटरव्यू दो से उसका कॉमन क्वेश्चंस थोड़ा सर्च करके देख लेना। आपको ऐसे दो वेबसाइट्स बता देता हूँ, एक है ग्लास डोर करके, एक है इंटरव्यू बीट, और गिग्स फॉर गिग्स में भी मिल जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको मिल जाएगा इंटरव्यू कॉमन क्वेश्चंस, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा जो है, और कोरा पे तो ऐसे मिल ही जाएगा, मतलब कोरा पे तो बहुत सारा सब कुछ मिल जाता है, जो भी आपको क्वेश्चंस है कोई ना कोई पूछ के रखता है, कोई ना कोई आंसर करके रखता है। इस तरह मतलब बहुत सारा वेबसाइट्स है जहाँ पे आप सब लोग अपना पर्सनली अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उनसे क्या पूछा गया था, तो इससे आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा कि वो आपके रोल के लिए क्या क्या पूछने वाले हैं। अगर आप सेम मतलब डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी अपने ब्रांच से रिलेटेड अगर इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखते हो तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। और बाकी आप यूट्यूब पे तो बहुत सारा एक्सपीरियंस भी डाला हुआ रहता है इंटरव्यू एक्सपीरियंस, वहां भी आप जाके देख सकते हो जो डाल के रखे हैं। बाकी नीचे कमेंट करके बता सकते हो किसी का अगर अच्छा लगा है तो बाकी का हेल्प हो जाएगा, मतलब अपना ब्रांच के साथ साथ वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मतलब चैनल का नाम जो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो वो कर देना, ताकि बाकी लोग का हेल्प हो जाए। और फाइनली आपको लास्टली इंटरव्यू जिस दिन होगा उस दिन आपको मतलब टाइम पे पहुंच जाना है, फॉर्मल पहन के जाना है। अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है वहाँ भी आपको कंप्लीट फॉर्मल पहन के जाना है, ऑफलाइन हो रहा है तो वहाँ तो आपको पूरा कंप्लीटली फॉर्मल में जाना है और टाइम पे पहुंच जाना है। अगर ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है वहाँ भी आपको टाइम पे तैयार रहना है। और एक और मतलब इंटरव्यू टिप्स से रिलेटेड और थोड़ा बहुत वीडियोस देख लेना कि कैसे आपको अपने आपको प्रेजेंट करना है, इसके बाद ऐसा नहीं कि जब इंटरव्यू होगा तब, मतलब थोड़ा पहले से प्रिपेयर करना है तो पहले से देख कर रखना। उसमें थोड़ा मैं बहुत मतलब और मैं तो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से बताते रहा हूँ कि ये सब कर कर जाना है। बाकी आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना है इंटरव्यू के टाइम, सब कुछ पॉजिटिवली आंसर करना है और अपना ऑनेस्ट आंसर देना है, कि ऐसा नहीं कोई दिखावा नहीं करना है कि जो आप हो ही नहीं वो आप वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि वो लोग आप वैसे तो आप फ्रेशर हो, सभी लोग फ्रेशर ही रहेंगे, तो इसलिए कोई दिखावा करने जाओगे तो वो लोग मतलब आपसे पहले बहुत लोग का इंटरव्यू ले चुके हैं तो उन लोग को इजिली पता चल जाएगा कि आप दिखावा कर रहे हो, इसलिए आपको थोड़ा ऑनेस्ट रहना है और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पॉजिटिवली आंसर करना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको काम का लगा होगा तो इसको अपने कॉलेज के सारे ग्रुप में शेयर कर देना, और अगर आपको काम का नहीं लगा होगा या कुछ बेकार लगा होगा तो नीचे कमेंट करके बता देना ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं, मतलब साथ ही साथ ये भी बता देना कि इसको इम्प्रूव कैसे करना है तो मेरे लिए वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और वीडियो आप एंड तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बाय, ऑल द बेस्ट सबको।